हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रताज टेस्टी किचन। मेरा नाम नम्रता है। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप आप सब ठीक होंगे एंड फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एक रेसिपी, और वो है इंस्टेंट रवा उत्तपम। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। उसके पहले हम फ्रेंड्स इसके देख लेते हैं क्या हमें इन्ग्रीडियंट्स लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है ये 1 कप रवा है। आप मोटा बारीक जो आपको रवा चाहिए वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने लिया है 1 कप रवा, और ये लिया है 1/3 कप मैंने दही लिया है। तो आप कम ज़्यादा दही कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने 1/3 कप दही लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये 2 मीडियम छोटे साइज़ के मैंने ऑनियन लिए हैं, इसे सब बारीक बारीक मैंने इसे चॉप कर लिया है। ये 2 कैप्सिकम है छोटी, इसे भी मैंने स्मॉल स्मॉल पीसेस में ऐसे चॉप कर लिया है। ये 2 टमाटोज है, इसे भी मैंने ऐसा चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स 3 से 4 हरी मिर्ची ली है, इसे ऐसा बारीक चॉप कर लिया है। ये थोड़ा सा जिंजर लिया है, इसे ऐसे ग्रेट कर लिया है। और ये हरी धनिया है, इसे भी ऐसे वॉश करके ऐसे अच्छे से इसे बारीक बारीक ऐसा चॉप कर लिया है। और हमें लगने वाला है ऑयल एंड सॉल्ट एंड वाटर। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट रवा उत्तपम की रेसिपी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, तो उसमें डालेंगे हम ये 1 कप रवा, 1/3 कप दही, 1/2 डालेंगे इसमें ये ग्रेट की हुई अदरक, और 3 से 4 जो हरी मिर्ची मैंने चॉप की थी वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल देंगे, और थोड़ी सी मैंने बचा के रखी है। हम उत्तपम में जब हम डालेंगे तवे पे, तब ऊपर से भी हम इसमें ये बारीक कोथमीर डाल देंगे। अब डालेंगे फ्रेंड्स हम इस पे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट लिया है। और फ्रेंड्स इसमें डालेंगे हम पानी। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि ये जब हम इसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये ड्राई हो जाता है। जब आप कुक करोगे ना फ्रेंड्स, तब फिर से हमें पानी लगने वाला है। तो यहाँ पे हम ये पानी डालेंगे थोड़ा सा। तो ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे फ्रेंड्स हम ढक के 10-15 मिनट्स के लिए हम इसे ढक के रेस्ट करने के लिए रख देंगे। देखो फ्रेंड्स, इसमें और हमें वाटर लगेगा जब हम कुक करेंगे, तो उसमें हम और पानी डालेंगे, क्योंकि ये फिर से ये ड्राई हो जाता है ना फ्रेंड्स, इसलिए हमें फिर से जब कुक करते टाइम फिर से हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी और डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसे एक 10 मिनट्स के लिए इसे ढक के रख देते हैं। यहाँ पे इसे मैंने ढक दिया है एक 10 मिनट्स के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये 10 मिनट्स हो गए हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये देखो ये ऐसा ड्राई हो गया है, तो इसमें हम और पानी डालेंगे। इसमें जो रवा है ना फ्रेंड्स, वो फूल जाता है, इसलिए ये ऐसा ड्राई हो जाता है। तो आप कुकिंग करते टाइम हमें पानी और डालना चाहिए। तो और थोड़ा सा डाल दूंगी। ये देखो फ्रेंड्स ये इसका ऐसा थिकनेस होना चाहिए। आपको अगर और चाहिए थोड़ा सा पानी, तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये परफेक्ट है। तो चलो फ्रेंड्स बनाते हैं इंस्टेंट रवा उत्तपम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये नॉनस्टिक तवा रखा है गैस पे, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। तो इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, तो ये जैसा ही गर्म होएगा फ्रेंड्स, तो इस पे हम डालेंगे ये जो बैटर हमने बनाया है रवा और दही का, तो इसके ऊपर हमने फ्रेंड्स थोड़ा सा ऑयल भी डाला है। तो फ्रेंड्स ये जो ऑनियन उत्तपा है फ्रेंड्स, ये हम वेट लॉस के लिए भी ये रेसिपी बना सकते हैं, बिकॉज
इसमें देखो फ्रेंड्स सब रवा है वो भी लाइट है, दही है एंड सारे वेजीज है फ्रेंड्स। तो ये डाइट वेट लॉस के लिए भी परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई वेट लॉस भी करता होगा ना, तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। तो अब इसे फ्लिप करते हैं, देखो फ्रेंड्स कितना बढ़िया बना है। तो आप ये ब्रेकफास्ट, लंच एंड इवन डिनर को भी आप, आजकल तो फ्रेंड्स सब लोग लाइट लाइट डिनर भी करते हैं, तो ये डिनर के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप फ्रेंड्स ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इसे फिर से फ्लिप करते हैं, ये देखो फ्रेंड्स ये रेडी हो गया है। तो इसी तरह फ्रेंड्स मैं सारे रवा उत्तपम बना लेती हूँ। देखो फ्रेंड्स कितना बढ़िया बना है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं सारे उत्तपम बना लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स तैयार है इंस्टेंट रवा उत्तपम। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।